हाय नमस्कार। सो आपका स्वागत है इस चैनल में। और अमृता फरीदाबाद की भी फीस लॉन्च हो गई है, और अमृता कहते हैं इस बार लालची हो गया ऐसा लगता है कि दोनों ही कैंपस कोची में और फरीदाबाद में फ़ीस काफ़ी बढ़ा दी है, और 25 लाख रुपए साल की फ़ीस कर दी गई है। तो उसके हिसाब से जो टोटल, लेकिन हॉस्टल इनका रीज़नेबल है, हॉस्टल प्लस मेस 1.5 लाख होता है साल का, तो पूरा 4.5 साल का हम एक रफली स्पीकिंग 1.25 करोड़ का बजट मान सकते हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया में इससे ऊपर कोई बजट नहीं है। तो फिर काफ़ी आप लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा कि सर जानते हैं हम लास्ट ईयर में तो फरीदाबाद लॉन्च हुआ और सीधा ही उसकी कट ऑफ 460-470 की रेंज में चली गई, और विद ईजीनेस ऑफ पेपर हम मानते हैं सर 500 होती है। तो कई लोग आप में से ये डाउट कर रहे हैं कि सर फीस बढ़ने की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए बहुत थोड़ा तो पढ़ना चाहिए था, मैं ये बोलूँगा चाहिए था, लेकिन शायद पड़ेगा नहीं। उसका कारण क्या है कि लास्ट ईयर जब 450 प्लस बजट गया, स्कोर गया, और देखिए 450 से गुड स्कोर, दैट मीन्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, सो देर आर इनफ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जिन्होंने इसकी फ़ीस दी, जबकि उन सभी बच्चों को हिमालयन जॉली ग्रांट पक्का मिल सकता था। आप समझ रहे हैं, तो इससे आपको एक साइकोलॉजी समझनी है कि हिमालयन जॉली ग्रांट छोड़ के, श्री गुरु रामराय छोड़ के, चलो मौलाना तो सभी ने छोड़ ही दिया, क्योंकि क्लास से तो मौलाना उसकी फ़ीस बराबर थी, जबकि ये सब पुराने कॉलेज हैं। सो देखिए अमृता फरीदाबाद को सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है लोकेशन का। इट इज़ बिकॉज इट्स दिल्ली NCR प्रॉपर, जो मैंने आपको शारदा में भी समझाया था, और तभी शारदा की कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। बट डेफिनेटली लास्ट ईयर तो कुछ लोगों ने शारदा छोड़ के भी अमृता लिया था। तो सबसे बड़ा एडवांटेज अमृता को लोकेशन का है कि यहाँ पर ना लोगों के पास और ऑप्शंस है ही नहीं। देखिए महाराष्ट्र में आप बॉम्बे पूना बेल्ट में रहते हैं तो 8-9 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 भारतीय विद्यापीठ, 3 DY पाटिल, सिम्बोसिस, कृष्णा कराड, JLN बेलागावी, सभी एक लाइन में ही है। नॉर्थ में ऐसा है नहीं, और नॉर्थ में प्रैक्टिकली वंस यू आर लेट्स से अराउंड 400-450, मतलब यू आर नॉट गेटिंग शेरा मूर्ति बरेली एंड हरियाणा के कोई भी कॉलेज उतना रिपोर्टेड नहीं है, मतलब पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी। सो अमृता का अपना अलग नाम है, उसकी एक अलग विंटेज है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो जस्ट टू टेल यू गाइस, बिकॉज ऑफ द फी कुछ कम आ जाए, लेकिन वो 400 के नीचे अभी भी नहीं आएगा। तो अगर आप इसको 300-350 वाले इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमें अमृता फरीदाबाद मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला, 400 के नीचे तो कतई नहीं जाएगा। और मैं तो सच बताऊँ, मेरा पर्सनल डाउट तो ये भी है कि बिल्कुल भी नीचे ना आ जाए, 450 रह जाए, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न। देखिए बहुत लिमिटेड सीटें हैं, और दिल्ली NCR में बहुत पैसा देने वाले लोग हैं, और जो वही 1.1 करोड़ खर्च कर रहा है चाली ग्रांट के लिए, या गुरु रामराय के लिए, या SGT के लिए फॉर दैट मैटर, तो उनके लिए ना उनको वो ही देखते हैं कि चलिए यार 5 साल में 15 लाख ही तो हो रहे हैं। और फिर जब आप उस ब्रैकेट में होते हो ना, तो हमारे पास भी कई क्लाइंट ऐसे आते हैं, नो इश्यूज़ ऑफ मनी एट ऑल, तो उस तरह की कैटेगरी के काफ़ी लोग होते हैं। तो पर्सनली स्पीकिंग अमृता फरीदाबाद की फ़ीस कम होने से कट ऑफ पे कोई मेजर फ़र्क होता हुआ मुझे नहीं नज़र आएगा, क्योंकि तो इतना ये एक्सक्लूसिव कॉलेज है। तो जैसे मैंने कहा ना कि हिस्टोरिकली जो लोग नॉर्थ से भारतीय पुणे जाते थे, सांगली जाते थे, ऑफकोर्स उनकी कट ऑफ इतनी कम नहीं है, तो लोग फिर भी उनसे बेटर तो इसी को प्रेफर कर रहे हैं ना, इंस्पाइट ऑफ लास्ट ईयर तो पहला साल था, लोग फिर भी थोड़ी कंसर्न थी। अब तो सेकेंड ईयर आ गया, एक साल हो गया कॉलेज चलते हुए, एक सीनियर भी मिलेंगे बच्चों को, मतलब पहले पिछले साल के मुकाबले इस साल तो कट ऑफ और बढ़नी चाहिए, फीस ज़्यादा हो गई है तो थोड़ी घटनी चाहिए, पर आप दोनों का बैलेंस लोगे तो भी मुझे नहीं लगता कि 450 से नीचे बहुत चांसेस हैं। तो आप लोग उसके हिसाब से ही अपनी प्लानिंग करके चलिए। और वैसे मैं हमेशा कहता हूँ अमृता में डायरेक्ट एडमिशन होगा, कोई मैनेजमेंट से सेटिंग नहीं होती है वहाँ पर। ऑफकोर्स एक स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है काउंसलिंग की, बेस्ड ऑन दी 2024 का जो भी काउंसलिंग रूल आएगा, जो हमने भी काफ़ी क्लाइंट्स की हेल्प की थी, जो राउंड 4 तक वेट करने को तैयार होते हैं, उनको एक स्ट्रेटजी के तहत सीट मिल सकती है। वो स्ट्रेटजी हम ज़रूर अपने क्लाइंट्स से शेयर करते हैं, लेकिन डेफिनेटली मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है आपको साइड डोर से किसी तरह की भी सीट दिलाने का। तो जो भी एजेंट आपको प्रॉमिस कर रहा है कन्फर्म सीट 300 नंबर पे, 320 नंबर पे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए, और हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप जानते ही हैं, 9643362320 पे कॉल कीजिए, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। और जो भी हमारे पैकेजेस हैं, बहुत सिंपल 4 पैकेज हैं, 30,000, 50,000, 75,000 और 1.5 लाख। 30,000 रुपये गवर्नमेंट सीट के लिए, या आपकी होम स्टेट का प्राइवेट, आप 2 से लेकर 4 कॉलेज तक प्राइवेट में काउंसलिंग करना चाहते हैं तो 50,000, 4 स्टेट से ऊपर जितने मर्जी 75,000,
और 1.5 लाख की फीस है सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट, NRI, NRI स्पॉन्सर्ड, IQ कोटा, यू नो तमिलनाडु पौंडीचेरी की नेगोशिएशन, बंगाल की नेगोशिएशन, बट जहाँ पर भी यू हैव टू ट्रस्ट अस अ लॉट वेरी फ्रेंकली फॉर द लॉन्गर टर्म्स. ऑफकोर्स ट्रस्ट तो आपका हमेशा ही चाहिए और थैंकफुली आप दे भी रहे हैं काफ़ी. हैव अ नाइस डे, बाय बाय, और आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम फ्रॉडस्टर्स एंड ऑल्सो टू प्लान प्रॉपरली. ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.